ग्राम सभा एक प्रमुख जिला पंचायत या जनपद पंचायत की सभी सदस्य और प्रधानों की भागीदारी से आयोजित होती है। ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक विकास और सरकार के कार्यों में जन भागीदारी बढ़ाने का है। ग्राम सभा की बैठकों में नियम और क्रम लागू होते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। ग्राम सभा की बैठक सामान्य तौर पर एक बार वर्ष में आयोजित होती है, लेकिन आवश्यकता अनुसार अधिक बैठक भी बुलाई जा सकती है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष द्वारा तिथि और समय तय किया जाता है और उससे सभी सदस्यों को पत्र किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक का क्वोरम ग्राम पंचायत के कानूनों के अनुसार तय किया जाता है। सभी सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है और बैठक किसी भी निर्णय के लिए क्वोरम के उपस्थिति में ही आयोजित की जाती है। ग्राम सभा की बैठक में सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होता है। ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में अध्यक्ष चुना जाता है। ग्राम सभा की बैठकों में संवाद और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। संवाद सामुदायिक विकास और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए होता है, जबकि प्रस्ताव किसी भी मुद्दा पर निर्धारित समय पर पेश किया जाता है। ग्राम सभा की बैठकों में निर्धारित कार्यक्रम होता है, जिसमें अलग अलग मुद्दे प्रस्तावों और संवादों के लिए समय नियमित किया जाता है। ग्राम सभा की बैठकों में जनभागीदारी की भावना को महत्व दिया जाता है। जनभागीदारी के लिए सदस्यों को आवश्यक जानकारी और सुझाव प्रदान की आवश्यकता होती है। ग्राम सभा की बैठकों में आकर्षण और निर्णय के लिए निर्धारित आपातकाल होता है। आपातकाल के समय भी ग्राम सभा आयोजित की जाती है। ग्राम सभा में पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण का प्रस्तुतीकरण होता है, जिसमें ग्राम पंचायत के वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रस्तावों पर जनभागीदारी की जाती है। ग्राम सभा की बैठकों में लिए गए निर्णय और निर्देशों का संकेत पत्र तैयार किया जाता है, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा अनुसरित किया जाता है। ग्राम सभा की बैठकों में राज्य सरकार की योजनाओं का प्रस्तुतीकरण भी होता है, ताकि समुदाय के लोग उन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और उन पर अपनी राय दे सकें। ये नियम और कोरम ग्राम सभा की बैठकों में सदस्यों की भागीदारी और जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए बनाए गए होते हैं। इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए ताकि समुदाय के विकास और सुधार में सहायता की जा सके। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दो अलग अलग तरीके से काम करती हैं और इनमें कुछ मुख्य अंतर होते हैं। ग्राम पंचायत एक चुनाव द्वारा चुनी गई स्थापना होती है। इसमें चुने गए प्राधिकृत प्रतिनिधि सदस्य समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करते हैं और ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यान्वयन का प्रबंधन करते हैं। ग्राम सभा सभी ग्राम के सामान्य लोगों का एक सामुदायिक सभा होता है, जिसमें हर एक ग्राम के अधिकांश निवासी सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम के विकास और प्रशासन के कार्यान्वयन का प्रबंधन करती है, जैसे कि सड़कों का निर्माण, पानी के उपलब्धता, शिक्षा और स्वच्छता आदि। ग्राम सभा एक सामुदायिक सभा होती है, जो ग्राम पंचायत की कार्यकुशलों का मूल्यांकन करती है, सामुदायिक मुद्दे पर चर्चा करती है और प्रशासनिक निर्णयों के लिए सुझाव देती है। ग्राम सभा का प्रमुख उद्देश्य जनभागीदारी बढ़ाना होता है। ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और प्राधिकृत सदस्य चुनाव द्वारा चुने जाते हैं और वे ग्राम पंचायत के कार्यान्वयन का प्रशासन करते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में प्रधान का चुनाव होता है, लेकिन ग्राम सभा स्वयं कोई प्रशासनिक कार्य नहीं करती है। इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय के मुद्दे पर चर्चा और सुझाव प्रदान करना होता है। ग्राम पंचायत जन भागीदारी का प्रशासन करती है, लेकिन ग्राम सभा के माध्यम से समुदाय के लोग अपनी राय देन और प्रशासनिक निर्णयों के प्रति जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्राम सभा जन भागीदारी को बढ़ावा देने का मुख्य अधिकार रखती है और समुदाय के लोगों को प्रशासनिक मुद्दों में शामिल होने का अवसर प्रदान करती है। इन अंतरों के बावजूद ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों ग्राम के विकास और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्राम सभा जन भागीदारी की भावना को प्रोत्साहित करती है और ग्राम पंचायत उससे कार्यान्वयन करती है। दोनों मिलकर समुदाय के विकास को सहायता पहुंचाते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के प्राधिकृत सदस्यों, प्रधान, उप प्रधान और अन्य सदस्य के माध्यम से आयोजित की जाती है।
ग्राम पंचायत की बैठकों में स्थायी रूप से ग्राम के विकास और प्रशासन के मुद्दों पर चर्चा होती है और समुदाय के विकास को निर्देशित करती है। नीश कुछ मुख्य तथ्य हैं जो ग्राम पंचायत की बैठकों के बारे में होते हैं। ग्राम पंचायत की बैठकों का समय और स्थान पहले से ही तय किया जाता है। बैठक सामान्य तौर पर एक महीने में कम से कम 2 बार या उससे अधिक बार आयोजित होती है। स्थिति ग्राम पंचायत के कार्यालय में होती है। ग्राम पंचायत की बैठकों में क्वोरम की निर्धारित उपस्थिति होना महत्वपूर्ण होता है। क्वोरम स्थायी रूप से टिक किया जाता है और उसके बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। ग्राम पंचायत की बैठकों में एक अध्यक्ष चुना जाता है जो बैठक को संभालता है, चर्चा को निर्देशित करता है और मतदान करवाता है। हर बैठक के लिए एक कार्यक्रम एजेंडा तय किया जाता है जिसमें स्थायी रूप से विचार किए जाने वाले मुद्दों की सूची होती है। प्रस्ताव प्रपोजल्स प्रस्तुत किए जाते हैं जिनका विचार और निर्णय किया जाता है। ग्राम पंचायत की बैठकों में समुदाय के विकास और प्रशासन के मुद्दों पर चर्चा होती है। इसमें सड़कों का निर्माण, पानी के उपलब्धता, शिक्षा, स्वच्छता और अन्य स्थानीय विकास के मुद्दे शामिल होते हैं। ग्राम पंचायत की बैठकों में पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण का परीक्षण होता है जिसमें वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रस्तावों पर चर्चा होती है। ग्राम पंचायत की बैठकों में लिए गए निर्णय और निर्देशों का एक संकेत पात्रा तैयार किया जाता है जिसमें सभी की रे और मतदान का विवरण होता है। ये संकेत पात्रा ग्राम पंचायत के प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ग्राम पंचायत की बैठकों का उद्देश्य समुदाय के विकास और प्रशासन के क्रियान्वयन को सुधारने का है। इसमें जन भागीदारी और समुदाय के लोगों की रे का महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसके माध्यम से स्थायी रूप से मुद्दे पर विचार किया जाता है। ग्राम पंचायत के अधिकारी और सदस्य बैठकों में समुदाय के हित में सहायता पहुंचने के लिए कार्यरत होते हैं।